पीएम मोदी महिलाओं को देंगे ऐसा अधिकार जो 99 देशों में नहीं मिला। जानिए कैसे। वर्ष 1851 यानी 1891 से पहले भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की कोई उम्र निर्धारित नहीं थी। इस वजह से तब देश में बाल विवाह काफी प्रचलित हो गया। पढ़े लिखे लोग भी इसे बुरा नहीं मानते थे। उदाहरण के लिए वर्ष 1883 में जब भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ तब उनकी उम्र तो 20 वर्ष थी, लेकिन उनकी पत्नी सिर्फ 10 साल की। बाल विवाह को लेकर पहली बार कब बना कानून? भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार पहली बार वर्ष 1891 में एक कानून लाई। इस कानून के तहत ये निर्धारित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस पर रेप जैसे मामलों की कानूनी धारा लगाई जा सकती है। इसके बाद वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार एक और कानून लाई और इस उम्र को 12 वर्ष में से 16 वर्ष कर दिया गया, जबकि पुरुषों की विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष की गई। इस कानून के बाद देश को आजादी मिलने तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जब संसद में पेश हुआ हिंदू कोड बिल वर्ष 1951 में पहली बार देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसे नेहरू ने पहले लोकसभा चुनाव की वजह से वापिस ले लिया। उस समय नेहरू पर यह आरोप लगे कि जब देश धर्म निरपेक्ष है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे लोग धर्मों के रहते हैं तो फिर विवाह तलाक और संपत्ति बंटवारे के मामलों के लिए कानून सिर्फ हिंदू के लिए क्यों बनाया जाता है। उस समय इस बिल के तहत हिंदू लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 18 और लड़कों की उम्र 18 से 21 तय की गई। नेहरू उस समय तो चुनाव की वजह से कानून नहीं ला पाए, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने इस बिल को अलग अलग टुकड़ों में पास कराने का काम किया। जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग कोई कानून बना ही नहीं पाए, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही लागू रहा और ये आज तक लागू है। इसके तहत 15 साल की लड़की शादी योग्य है, ऐसा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से हुआ। वर्ष 1978 में जब तत्कालीन सरकार ने चाइल्ड मैरिज एक्ट में संशोधन किया तब इस एक्ट में जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये कानून मुस्लिम और ईसाई धर्म के पर्सनल लॉ पर भी प्रभाव होगा या नहीं, और इस वजह से आज भी कई मामले कोर्ट में जाते हैं और हर कोर्ट में इस तरह पर अलग अलग टिप्पणी भी होती है। लेकिन जो बड़ी बात आपको बतानी है वो यह है कि महिलाओं के बारे में बातें तो सभी सरकारों ने बड़ी बड़ी की, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा गया। यानी मुस्लिम तुष्टिकरण की तरह महिला तुष्टिकरण का कार्ड भी खूब चला। इसलिए हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं। सोचिए जब देश एक है, संविधान सभी धर्मों को मानता है, तो फिर कानून अलग अलग क्यों? विवाह की उम्र को लेकर दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है? दुनिया में आज भी 99 देश ऐसे हैं जहां लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के कम उम्र में हो जाता है। दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जहां विवाह की न्यूनतम उम्र आज तक तय ही नहीं हो पाई। ये देश है सऊदी अरब और यमन। इसके बाद लेबनान में 9 साल, सूडान में 11, ईरान में 13, कुवैत में 15, पाकिस्तान में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र केवल 16 है। दुनिया में कुल 23 देश ऐसे हैं जहां लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। ब्रिटेन में कानून वहां असाधारण परिस्थितियों में लड़की की 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। इसके अलावा अमेरिका में कोई एक कानून है जहां अधिकतर राज्यों में लड़कियां 18 साल के बाद शादी कर सकती है। हालांकि वहां भी असाधारण परिस्थितियों में 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी को मान्यता मिल सकती है। मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए। कच्चे चूल्हे पर जो महिलाएं धुएं के बीच खाना पकाती थी उन्हें उज्ज्वलता योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिए गए। 3 तलाक के खिलाफ सरकार कानून लाई। वर्ष 2018 में देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष के बिना भी हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई। वर्ष 2019 में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में महिलाओं के प्रवेश का फैसला किया गया। वर्ष 2019 में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की स्थापना की गई। वर्ष 2016 में नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से 26 हफ्तों तक कर दी गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसमें भी शामिल है। तो ये है कुछ उपलब्धियाँ जो आज की सरकार ने की है महिलाओं के लिए।